कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस का लोगों द्वारा सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर हमीरपुर जिला के मेन बाजार का हमीरपुर डीएसपी ने निरीक्षण किया और लोगों को सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस का पालन करने हेतु प्रेरित किया। इसके साथ ही बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई व लोगों द्वारा गलत तरीके से लगाए मास्क को ठीक से लगाने को भी कहा। इसके साथ ही सुजानपुर में भी उपमंडलाधिकारी शिल्पी बेगटा द्वारा भी सुजानपुर बाजार का निरीक्षण किया गया व लोगों को हिदायत दी गई कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिना मास्क के पाया गया तो प्रशासन उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगी जनता को कि पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 के केसेस लगातार आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है कोविड-19 के कारण। तो जनता से मेरा यही आग्रह रहेगा, जो आप मास्क पहन रहे हैं, मास्क से आप खुद को भी सुरक्षित रखते हैं और अपने परिवार को और पड़ोसियों को और आस पड़ोस की जनता को भी सुरक्षा रहती है उससे। मास्क पहनना आपकी जिम्मेवारी है। सरकार ने घोषित किया है कि जो मास्क नहीं पहनेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और 1,000 रुपए तक का चालान भी किया जा सकता है।